मंदिर ट्रस्ट के गठन के विरोध में ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। ग्रामीणों ने मंदिर में सुबह ताला जड़ दिया था, जिससे श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने में परेशानी हो रही थी। ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रस्ट का गठन अवैध तरीके से किया गया है। मंदिर के सौंदर्यकरण कार्य के शिलान्यास के बाद से ग्रामीण नाराज हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा ने 8 करोड़ लागत राशि की सौंदर्यकरण कार्य का शिलान्यास किया था। ग्रामीण आज एक विशेष ग्राम सभा मंदिर के बाहर कर रहे हैं, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि वे मंदिर के सौंदर्यकरण कार्य के लिए तैयार नहीं हैं और ट्रस्ट के गठन के तरीके से वे सहमत नहीं हैं। इस मुद्दे पर प्रशासन को भी सूचित किया गया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी मांगों के लिए अधिक रहेंगे और मंदिर के सौंदर्यकरण कार्य को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। इधर ग्रामीणों द्वारा दियोड़ी मंदिर में ताला मारने की सूचना पाकर बूंदू SDM, बूंदू DSP, तमाड़ थाना प्रभारी समेत भारी संख्या में पुलिस बल दियोड़ी मंदिर परिसर में डटे हैं। साथ ही कई हिंदू संगठन के लोग मंदिर परिसर में डटे हैं। दियोड़ी मंदिर में पूजा हो गई, बंद है मंदिर तो, बट बाहर से दर्शन हो गए। मंदिर क्यों बंद है कोई आइडिया नहीं है, बट कुछ एक अम्मा ने बोला कि कोई ग्राम सभा का कुछ, तो क्या बिल्कुल आइडिया नहीं। आप लोगों को क्या कितनी परेशानी हो रही है? रांची से आ रहे हैं 40-50 किलोमीटर से, और मंदिर के दर्शन नहीं हुए, अंदर नहीं जा पाए। तो आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ आ रहे हैं जब से। पूजा हो गई आपकी? पूजा तो हुआ नहीं, मंदिर बंद है तो कैसे हो? प्रशासन को चाहिए मंदिर को खुलवाना चाहिए। मंदिर क्यों बंद है? मंदिर अब हमको पता नहीं है सर, ग्रामीण लोग को क्या मीटिंग है नहीं है इसके बारे में नॉलेज नहीं। हम तो तुरंत आवे किए सर, यहाँ आए तो देखे कि ताला बंद है और पूजा करने में कठिनाई हो रहा है। प्रशासन के लोग भी आए बाहर। आप कहाँ से आए हुए? जमशेदपुर से सर आए। पूजा होगी आपकी? जी पूजा हुआ नहीं सर, मंदिर तो बंद है। क्यों बंद है? अब बंद है इसका कारण हम लोग को भी पता नहीं है सर। ग्रामीण लोग बोलते हैं कि अब बंद है तो क्या करेंगे नहीं करेंगे, अब हम लोग को तकलीफ है, अब प्रशासन अब क्या करेंगे इसका, प्रशासन ही बताएंगे। हम लोग तो लोकल है नहीं सर, इसके बारे में पूरा नॉलेज है। हम लोग तुरंत आए किए हैं, 10 मिनट हुआ सर। आप ही लोग से अब खुलेगा तो खुलेगा, नहीं खुलेगा तो हम लोग वापस जाएंगे बिना पूजा करके। इसके अलावा कुछ रास्ता नहीं है सर। तो उन लोग को बताया गया कि आपका सेकंड पार्टी जो आपका कोर्ट में गए थे, दोनों हमने हार गए हैं। आप हाई कोर्ट में भी हार गए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हार गए हैं। ये लोग का जो ये है बेबुनियाद ये आरोप है, वो गलत है, निराधार है। सर ताला बंद करने वाला का पता चला? हाँ उस पर हम लोग पता करें, उस पर कार्रवाई करें। नहीं, शांतिपूर्ण रहेगी। वार्ता को लेकर क्या कुछ किया सर? वार्ता को लेकर के बोला गया कि आपका ये अनर्गल आपका ये विधि व्यवस्था है, डिस्टर्ब नहीं करें। जो विकास के काम हो रहे सर, क्या आगे बढ़ेगी? वो पहले तो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे ना, पहले तो उसके बाद। तो क्या समझा जाए सर, अभी तक ये क्लियर माना जाए कि नहीं? अभी तक तो क्लियर है। दुकान को नोटिस दिया गया है, वो मेरे तरफ से नहीं दिया, सीओ के माध्यम से दिया होगा, मेरे संज्ञान में। नितेश कुमार जायसवाल, देवड़ी मंदिर का लीगल एडवाइजर हूँ ट्रस्ट का। तो आज ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी ट्रस्ट को कि देवड़ी मंदिर परिसर में कुछ लोगों ने ताला लगा दिया है। इस संबंध में आज बैठक है, लोग प्रशासन आए थे, वो लोग भी थे, कुछ ग्रामीण भी उपस्थित थे। तो जहाँ तक मैं लीगल एडवाइज़र होने के नाते मैं ज़मीन के संबंध में देवड़ी मंदिर के संबंध में बता सकता हूँ जो लीगल ओपिनियन है। इस संदर्भ में मेरा यह कहना है कि देवड़ी ग्राम के कुछ लोगों ने देवड़ी मंदिर के संबंध में अपना ज़मीन को दावा करते हुए एक मुकदमा दायर किया था ऑनरेबल हाईकोर्ट में, जिसका WPC नंबर 127/2021 था। उस मुकदमा में कुछ लोगों के द्वारा इस मंदिर को डिस्टर्ब करने के उद्देश्य मुकदमा अपना बताते हुए दावा किया गया था। तो वह जो ज़मीन है, देवड़ी मंदिर का जो ज़मीन है, वह अगर खतियान के कागज पत्र में देखा जाए तो वह RS खतियान में गैरमजरूआ आम है, परंतु खतियान के कॉलम नंबर 6 और 7 में यह देवड़ी देवी मंदिर के रूप में दर्ज है, जो कि रिविजनल सर्वे 1930 ईस्वी में बना था उस समय भी दर्ज है, और कस्टडियल सर्वे जो 1906 ईस्वी में बना था उस समय भी यह देवी मंदिर के नाम पर दर्ज है। तो स्पष्ट है कि ज़मीन जो मंदिर है देवी माँ का, वह सैकड़ों वर्षों से मंदिर के रूप में चला आ रहा है, विराजमान है देवी माँ, यहाँ पर दुर्गा माता के रूप में है। जब यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा इस मंदिर को अपना बताते हुए दावा किया गया है ज़मीन को, तब ऑनरेबल हाईकोर्ट में जो रिट पिटीशन दायर किया गया था, वह यहाँ के ग्राम प्रधान जो अपने आप को कहते हैं
सुमित्रा मुंडा इन दिगंबर मुंडा और संजय कुमार के द्वारा ऑनरेबल हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया गया। उस रिट पिटीशन में सभी कागजातों के अवलोकन के पश्चात ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया और इस प्रकार यह समझा जाएगा कि ऑनरेबल हाईकोर्ट के तहत आदेश के तहत जो डिसमिस हुआ उसमें सुमित्रा मुंडा ने वगैरह की हार हुई और दुड़ी मंजी ट्रस्ट था उसकी जीत हुई। आप सभी ग्रामीणों को सादर सूचित किया जाता है कि देवरी मंडल परिषद में ग्रामीणों और प्रशासन के पदाधिकारियों द्वारा अभी बैठक किया गया था, जिसे आप सभी ने देखा और सुना। जिस बैठक से स्पष्ट होता है कि देवरी मंदिर ट्रस्ट के विरुद्ध एवं मंदिर के जमीन को लेकर ग्राम प्रधान एवं अन्य लोग माननीय न्यायालय में केस दर्ज कराए थे, वहां से ये लोग केस हार चुके हैं। उसके बाद भी अन्य कार्यालयों में सभी जगह प्रयास कर चुके हैं जिसमें ये कहीं सही साबित नहीं हुए। तब ये लोग आप होने वाली जनता को बरगला रहे हैं और झूठा दिलासा दे रहे हैं। इस मामले में आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि इनकी बातों में ना आए, अन्यथा आप भी दंड के भागी होंगे। सारी घटना का वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो रहा है, ऐसा कोई नहीं सोचे कि जिनको चिन्हित नहीं किया जाएगा, सबको पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अतः आप सभी से अनुरोध है कि जो इसमें शामिल नहीं है, इस नाजायज मजमा में शामिल नहीं है, वो यहाँ से चले जाएं।